दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए अतिथि का नाम चुने जाने के बाद मिर्जापुर के अनंतपुर गांव में भी जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की वजह भी कुछ खास ही है। मिर्जापुर जिले के रहने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पंजाब के इकलौते पुत्र प्रवीण सिंह के साथ 2006 में अतिथि की शादी हुई थी। दोनों लोग सोशल वर्क कर रहे थे और इस दौरान उनकी मुलाकात हुई, बाद में उनकी शादी भी हो गई। अब अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तो गांव में भी जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को मिठाई खिला के जश्न मना रहे हैं। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। अतिथि सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत सारी खुशियाँ हैं। खुशियाँ बहुत सारी हैं, हमारी मेहर लगती है, हमें खुशी है, कुछ किसको होगी, बहुत सारी साल में 2-3 बार आती है। क्या नाम है आपका? गिरजा सिंह। बहुत नॉर्मल स्वभाव भी और नॉर्मल बात करने में सब लोगों से बढ़िया संपर्क बात की जाए। शादी के बाद इतनी बात नहीं जा सकते, लेकिन साल में 2 बार तो आ जाती थी। जब से कोई विधायक हुई तब से आना जाना बंद है, मौका नहीं मिलता हो कोई बात हो। कम समय में? हाँ वही बात, समय की बात। बाकी व्यवहार एकदम बढ़िया, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल कोई बनाव की जो कागजात कुछ। हमारे साथ चाचा भी है जो है गांव के ही है, बातचीत करके जाने में। चाचा जी कितने शुक्रिया। मेरा नाम सत्यदेव सिंह है। जैसे ही मेरे गांव में सूचना मिली कि अतिथि चीफ मिनिस्टर बनी है, पूरे गांव में एक खुशी का माहौल बन गया। लोग आपस में मिठाई बांट के खिला रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा। और जहां तक बहू के विषय में बताना है तो बहू एकदम नॉर्मल से, बेटा और बहू दोनों का जीवन एकदम सामान्य तरीके से जितना सिंपल रह सकते हैं। उन लोगों का जीवन मुझे लगता था दूसरे के लिए ही पैदा हुए हैं, हमेशा लोगों के कल्याण के लिए ही, उनके अंदर भावना, लोगों के लिए मेहनत करना, हमेशा गरीबों की मदद करना और एकदम सादे भाव में रहना और गांव की मर्यादा के हिसाब से यहाँ रहना। जब भी आना बहू के रूप में ही धक्के ही हो रही है, उतने मर्यादित बोलना। तो हमारे गांव में एक खुशी का माहौल, पूरे गांव में चर्चा कर हर घर में खुशी का माहौल है। अम्मा है जो है, अम्मा जो है, क्योंकि जो है बाकी लोग तो बाहर रहते हैं लेकिन अम्मा घर में साथ में भी रहती थी। इनसे बातचीत करके जानेंगे कि किस तरीके से घर में किसी का व्यवहार रहता था और जब यहाँ आती थी तो उनको किस तरीके से खुशी रहती थी। क्या नाम है अम्मा? मेरा नाम उर्मिला सिंह है। किसी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दिल्ली, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी की बात है, हमारी हमारे देश की बहू है, हमारी बहू अगर जा रही है मुख्यमंत्री बनने, किसी क्षेत्र में आगे निकली राजनीति के क्षेत्र में, हमारे घर में एक पहली शख्स है जो राजनीति के क्षेत्र में आई है। हमारा परिवार पूरा शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, राजनीति से कोई नहीं था, लेकिन ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि राजनीति के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ रही है। एक विधायक होने के बाद जब वो आज मुख्यमंत्री के पद पर हुई है तो बहुत खुशी हुई है, सुन के अंदर से बहुत खुशी है। और अतिथि जब यहाँ पे आती थी, गांव में आती थी तो क्या लगता था कि व्यवहार में और वैसे में परिवार में एक से आम लोग, हम लोग रहते थे वैसे वो भी रहती थी। हमें आज गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी इतनी पढ़ी लिखी एक विदेश से लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल की हुई लड़की हमारे परिवार के बीच में इस तरीके से रह रही थी, वो बहुत अच्छा लगा। आपके साथ किस तरीके से बातचीत होती थी आने के बाद, कब आती थी जो है? और मौके पर घर में कोई भी प्रोग्राम होता था, कुछ भी हुआ तो सबके साथ आती थी। और अभी भी जब बनारस जब भी आती थी तब यहाँ आती थी मिलने सबसे। व्यवहार नॉर्मल नेचर था, जैसे एक आम घर में बहुओं का होता है वैसे। लगता था जो है मुख्यमंत्री बनेंगे आप? बातचीत नहीं, वही तो बता रही हूँ कि अभी तक ये हमको नहीं, हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे घर की बहू आज इस जगह जाके एक राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी, ऐसा नहीं था। हमारे साथ एक भाई भी है, बातचीत करेंगे जो है, चूंकि ये यंग एज के हैं तो प्रेरणा के लिए घर में परिवार में बाकी लोग हैं तो ये इनसे बातचीत करेंगे। इनसे कितनी खुशी इनको है और ये क्या प्रेरणा लेना चाहेंगे? क्या नाम? मेरा नाम परदोष सिंह है। तो हमारी चाची थी आशी जी, हमें बहुत खुशी हो रही कि वो इस स्तर तक पहुँच चुकी हैं
और हम लोग के बीच आती थी हमेशा साथ में रहना, समाज सेवा करना, हम लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें वो गाइड भी करती थी, ये पढ़ाई करिए आप आगे तक जाइए पढ़ना, ये हर चीज़ बताती थी, हर चीज़ मुझे सिखाती थी भी वो। बहुत खुशी है सर। हम प्रोफेसर बंजार सिंह के घर पर थे, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी है अतिशी जो कि हम लोगों के बीच रहती थी और आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली है। और हमें इस बात की बेहद खुशी है उनका व्यवहार जो था वो एकदम नॉर्मल था, मतलब लगता नहीं था कि इतनी पढ़ी लिखी और ब्रिलियंट लेता है, लेकिन आज अगर वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है तो हमारे लिए गर्व की बात है। मिर्जापुर से लोकल 18 के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।